सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्षी दल हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, हम यही उम्मीद करते हैं कि हम आपसे प्रेरणा लेते हैं। आप देश के कर्ता धर्ता हैं, आप हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपकी भाषा तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए, मर्यादा का प्रयोग करना चाहिए, मर्यादा को परे नहीं रखना चाहिए जिससे भाषा बिगड़ जाए, शब्द बिगड़ जाएं और जनता भी उसी राह पर चलने लगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, लेकिन फिर भी हम बीजेपी से ही शुरू करते हैं, दिल्ली चुनावों की बात करते हैं। किस तरह अनुराग ठाकुर हों, प्रवेश वर्मा हों या बंगाल के दिलीप घोष हों, खुद गृह मंत्री अमित शाह हों, लगातार उन्होंने विवादित बयान दिए हैं, उनके भाषणों में एक गुस्सा दिखाई दिया है, गुस्सा कहना यहाँ बिल्कुल सही नहीं होगा, एक नफरत दिखाई दी है एक समाज के प्रति, जिस नफरत का परिणाम यह निकलता है कि आप दिल्ली के चुनावों में बुरी तरह शिकस्त पा जाते हैं, आपको पराजय का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं विजय चौरे, ये विधायक हैं, उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया है। अब विपक्षी यानी कि सत्ताधारी दल इसको विवादित बयान माने या ना माने, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि कोई भी विवादित बयान दिया जाएगा हम उसकी निंदा करेंगे। तो आज हम विजय चौरे की भी निंदा कर रहे हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की खूबियां बता रहे थे, जनसभा हो रही थी, कांग्रेस सरकार ने जो वादों को पूरा किया है, जो विकास के कार्य किए हैं उसको बताया जा रहा था और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक साल बीत चुका है सरकार को चलते हुए, अब तक किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं दिया है। आपको मालूम होगा किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ देते हैं या उनके सहयोगी दल हैं, अंबेडकर की एक तरफ तो वाहवाही की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, किसी मंच में यदि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता खड़े हों तो गांधी की भी बात होती है, अंबेडकर की भी बात होती है और हिंदू मुसलमान का जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की भी बातें चलती हैं। लेकिन समय समय पर यह भी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है, जो मध्य प्रदेश में भी घटनाएं मौजूदा समय में देखने को मिली हैं। इसी संबंध में विजय चौरे का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर उंगली उठाएंगे या उनकी बुराई आलोचना करेंगे या उन्हें छूने की भी कोशिश की तो मैं उन सबकी खाल नोच लूंगा, खाल उतार लूंगा। यह एक विवादित बयान मानूंगा मैं इसे, मैं इसकी तारीफ बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं इस बयान की निंदा करता हूं। आप सत्ताधारी दल से इतना प्रभावित मत हो जाइए कि आप उसी की भाषा का प्रयोग करने लगें। कल तक आप सत्ताधारी दल के नेताओं की आलोचना करते हुए नजर आ रहे थे उनकी भाषा शैली को लेकर, लेकिन आज आपकी भाषा शैली क्या हो जाती है क्या आपको पता है? आपसे कितने ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रभावित हो जाएंगे आपकी इस भाषा से और उसका प्रयोग उस जगह करेंगे जहां सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, तो क्या तब यह देश के लिए घातक नहीं होगा? तो यह हम बिल्कुल आग्रह करेंगे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष से भी और कांग्रेसी नेताओं से भी, उनके वरिष्ठ नेताओं से, कि अपने छुटवैया नेताओं को या वरिष्ठ नेता हो उनको इस भाषा से दूर ले जाइए। जब आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए नजर आते थे उनकी मर्यादाओं को लेकर, तो उस मर्यादा को आप कैसे लांघ सकते हैं? इस संबंध में हमारे व्यूवर्स की राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।